वेलकम बैक नाजरीन, सुबह वतन में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। शरई सवालात का सेशन है और आपके शरई सवालात का ऑथेंटिक कुरान और हदीस से जवाब दिया जाता है, रहनुमाई की जाती है। जो भी आपके शरीयत के हवाले से मसाइल हैं, जहन में सवालात हैं, इश्कालात हैं, वो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आप 111700 पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब लाइव के ऊपर आप कमेंट करके अपने सवाल को पेश कर सकते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपके सवालात का जवाब देंगे। हमारे साथ कॉलर है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, रिजवान साहब हैं हारूनाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे जी? हमारे ना इधर हारूनाबाद में ना अक्सर लोग बेटियों की ना जमीन देते नहीं है उनको जी, काफी जमीन है। भट्टी साहब से यही पूछना था, भाई इस बारे में कोई रहनुमाई फरमाए। काफी लोग जमीनें दबाकर बैठे हैं बेटियों की और कागजों में उनको मरा भी लिखवा देते हैं। बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, मतलब कागजों में लिखवा देते हैं कि अच्छा, जिंदा नहीं है। कागजों में लिखवा देते हैं लेकिन एक्चुअल में देते नहीं है। जी जी जी, मेरी भट्टी साहब से भी बात करवाएं, मुझे बहुत शौक है इस बात का। जी भट्टी साहब सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब मैं ना आपका ना प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखता हूँ, मुझे रोना आ रहा है। भट्टी साहब आपसे बात करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें दे जी। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाज़े दे। खुश रहें, शादाबाद रहें। आपको से नजर नहीं आता। अच्छा, अल्लाह ताला आपको बरकतें दे जी। अल्लाह ताला आपको रहमतों से नवाज़े दे। जज़ाकल्लाह खैर। पैगाम टीवी कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बतें और बढ़ाए। माशाल्लाह देखें लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके शरई सवालात को बड़े शौक से देखते हैं। बेटियों के हवाले से पूछ रहे हैं कि लोग बेटियों की जायदाद दबा के हमारे पाकिस्तान का अमूमी रवैया है। ये हारूनाबाद से थी, पंजाब से जी, सिंध का भी यही हाल है, बलूचिस्तान का भी यही हाल है और सूबा सरहद का भी यही हाल है, खैबर पख्तूनख्वा। बेटियों को विरासत से महरूम रखने के लिए कई हीले और बहाने किए जाते हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है, उसको कहते हैं बीबी बनाना जी। बीबी बनाना क्या है कि जिस बहन को, जिस बेटी को विरासत नहीं देनी जी, अच्छा, उसको एक अलग कमरा बेहतरीन फर्निश्ड दे दिया जाता है। उसको कहते हैं आप अल्लाह अल्लाह करो। अच्छा। और लोगों के यहाँ उसको एक पीर की तरह ट्रीट किया जाता है कि आप इससे दाम करवा लें, ये बहुत पहुंची हुई है, इसने भाइयों से हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। इसी तरह सिंध के अंदर एक बुरी रस्म मौजूद है कि वहाँ पर कुरान मजीद के साथ बेटी की शादी कर दी जाती है, सिर्फ इस नीयत से कि इसको विरासत में ज़मीन मुंतकिल ना करनी पड़े। और पंजाब में वो इस यही सूरत हाल है। वो कह रहे थे कि बेटियों को वो कागजात में मुर्दा शो कर देते हैं कि ये जिंदा ही नहीं है, ताकि उसको ज़मीन का हिस्सा ना देना पड़े। और मुझे इल्म में और भी कारी नाजरीन के हैं ऐसे मसाइल कि जिन्होंने अपनी सगी बहन का फार्म तैयार करवा के अदालती तो जमा करवा दिया कि ये हमारी बहन ही नहीं है। ला हौला वला कुव्वत। सगी वालद और वालदा की तरफ से सगी बहन को सिर्फ विरासत ना देने के लिए उसके ऐसे कागजात डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए कि ये हमारी बहन ही नहीं। भट्टी साहब इंसान लालच के पीछे या दुनिया के पीछे कितना गिर जाता है, नहायत गिर जाते हैं कि जब बहनों का हिस्सा खा के पी के तो बड़े इजी फील कर रहे होते हैं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन ज़लमा क़ीद शिब्रिन तवक़अल्लाहु यौमल क़ियामत, कि जिस बंदे ने एक बालिश के बराबर भी किसी भाई की ज़मीन छीनी तो अल्लाह सातों ज़मीनों को काट के गले का तौक बना के डाल देगा। अल्लाह अकबर। तो जो बहनों के साथ इस तरह से जुल्म करते हैं उनको अल्लाह से डर जाना चाहिए। बहनों को उनका बराबर का हिस्सा देना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो है कि भाई नहीं देते, दूसरी तरफ वालदैन भी बाज़ दफ़ा ना अजीब गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारे बेटे जो है ना वो कमज़ोर रह गए हैं, बेटियाँ अच्छे घरों में ब्याही गई हैं, इसलिए उनको विरासत की ज़रूरत नहीं है। हालांकि शरीयत ने जो हिस्सा उनको दिया वो उनको दें, और नहीं देते। सही। और फिर मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं कि बेटियों ने वालिद के इंतकाल पर रहमदिली करते हुए भाई के नाम बयान दे दिया। सही। आप बोलूँ कि बेटे और बेटियां यानी मौत होने वाले के नवासे नवासियाँ परेशान हैं कि हमारी विरासत किधर गई। अल्लाह। तो विरासत को पूरे ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ तकसीम करना चाहिए, हकदारों को पहुंचाना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सुमेरा साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा ऊंची बात कीजिएगा और टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिएगा। क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं मुफ्ती साहब से भाई ये पूछना चाहती हूँ कि वज़ू के दौरान कभी कभार मेरा दुपट्टा गिर जाती है तो मैं उसको रख के साइड पे कैसे वज़ू कर लेती हूँ बगैर दुपट्टे के, क्या वज़ू हो जाती है? और दूसरा सवाल ये है कि मैंने रात को उस्मान गनी का नाम आसमान पे लिखते हुए देखा है, उसका क्या है? आपने ख्वाब में देखा है या वैसे लाइव देखा है? जी जी ख्वाब में मैंने देखा है, हजरत उस्मान गनी आसमान पे लिखा हुआ था। जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। मुफ्ती साहब से पूछते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। पैगाम टीवी कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब पहला सवाल तो वज़ू के हवाले से है कि दुपट्टा उतार के वज़ू कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें तो कोई शर्त नहीं है कि दुपट्टा सर पे हो तो फिर वज़ू होगा, सही। बल्कि जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल से पहले भी वुज़ू मसनून गुस्ल का हिस्सा है, ठीक। उस वक्त तो हम बिल्कुल कपड़ों से बाहर होते हैं, बिल्कुल ठीक, कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने होते, तो वो वुज़ू भी तो हो जाता है ना जी। तो इसलिए आम हालात में भी खातून का सर पर दुपट्टा होना वुज़ू के वक्त कोई शर्त और ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनका वुज़ू बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरी जो उन्होंने ख्वाब के ताबीर पूछी है तो वो हमारे भाई हाशिम ज़मानी साहब का फील्ड है, वो आएंगे तो इंशाल्लाह उसका जी। आपका सवाल इंशाल्लाह महफूज कर लेते हैं। आगे चलते हैं। मुफ्ती साहब प्रोग्राम को लेके हमारे साथ रिटर्न में कुछ सवालात मौसूर हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह 10-12 दिनों में उम्रे पे जा रहा हूँ माशाल्लाह, बराए करम मुख्तसरन मुझे उम्रे का तरीक़ा और ज़रूरी दुआएँ बता दीजिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जज्बा है जी, वो सीखना चाह रहे हैं जी, वगरना हमारा सारा जोर तो होता है कि अच्छे से अच्छा होटल मिल जाए, पैकेज अच्छा मिल जाए, करीब तरीन होटल हो, नज़ारा हो जहाँ से बैतुल्लाह का, और पैदल ना चलना पड़े, ज़्यादा जोर इस पर ही होता है। सेहत के लिए जाते हैं, इबादत के लिए नहीं। अल्लाह ताला महफूज, अल्लाह ताला रहम फरमा दे। तो बड़ी अच्छी सोच है कि उम्रे के लिए जा रहे हैं तो उम्रा सीख कर जाएं। तो भाईजान आपको जो दुआएँ सीखनी हैं वो एक तो पहली है नीयत, ये वाहिद इबादत है जिसमें नीयत अल्फाज में है, ठीक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, ये आपने उस वक्त पढ़नी है जब आपका जहाज मिकास से गुजर रहा होगा, ठीक। आप जिस फ्लाइट से जाएंगे वो उम्रे वालों के लिए ऐलान करते हैं बाकायदा, या आप उनको याद दिला दें कि भाई मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, ठीक। तो जब आप मिकास से गुजरने वाले होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर वो ऐलान भी कर देते हैं, उस वक्त आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। अलबत्ता हराम की दो चादरें साहब, उम्रे की फ़्लाइट्स जो हैं वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में भी जा सकती हैं, जैसे ताइफ वगैरह में चली जाती हैं, तो वहाँ से फिर बाई रोड सफ़र करते हुए वो आराम से मिकास, हाँ अगर वो बाई रोड आ रहे हैं तो फिर जब मिकास से गुजरेंगे तो फिर उनको इतना पता होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि वो जिस शहर से होके आ रहे हैं उसका मिकात कहाँ है, कहाँ आ रही है, कहीं ऐसे ही ना गुजर जाएं कि हरम जाकर पता चले ओह मैं तो आ गया हूँ। तो इसलिए जिस इलाके से वो गुजर रहे हैं उनको अपने मिकात का पता होना चाहिए। मिकात वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आगे गुजरने से पहले आपने उम्रे की नीयत करनी है, ठीक। तो ये नीयत आप घर से ना करें, आपका मिकात लंबा हो जाएगा। आप एहराम की चादरें पहन सकते हैं, एयरपोर्ट से पहन लें, घर से पहन लें, लेकिन नीयत उस वक़्त करें जब आप मिकास से गुजर रहे हों जी। लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कहकर जी, उसके बाद तलबिया पढ़ना है लब्बैक। मुफ्ती साहब मेरा ख्याल है ये सवाल थोड़ा तवील हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है, उसके बाद फिर इसी सवाल को कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हुसैन साहब हैं हारूनाबाद से। अस्सलाम वालेकुम तालिब हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी तालिब साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ, एक सवाल है मेरा मुफ्ती साहब से, यह अजमल साहब से जी, कि मैं ना किसी जगह पे दुकान पे मुलाजमत करता, तकरीबन 3 माह हो गए हैं जी, ठीक है। उधर से मुलाजमत मेरी फारिग हो गया, उसके बाद कोई आप दोस्त मिला है, उसने कहा जी आपको वीज़ा दे देते हैं सऊदी अरब जी। तो वो सऊदी अरब के वीज़े के लिए मैंने कागजात भी अप्लाई कर दिए हैं, पैसे भी दे दिए हैं जी, और उसके बाद वो भी जमा हो गया है सब, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे कहीं भी कोई भी जगह पे मुलाजमत नहीं मिली। अगर कोई जगह पे दुकान पे मुलाजमत मिलती भी है ना तो वो 1 दिन चलती, 2 दिन चलती है, फिर छूट जाती है जी। तो इसके बारे में पूछना चाह रहा था कि क्या ये कोई मकसद भी मेरे अंदर कोई चेंजिंग है या कोई अल्लाह की तरफ से है या क्या है? बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेते हैं। मुफ्ती साहब परेशान हैं? हाँ जी, बस इसी तरह की परेशानियाँ हैं हमारे वाम में। कल मैंने एक वीडियो देखी कि हमारी मिनिस्ट्री के बाहर मीलों लंबी लाइन थी, जो लोग बेचारे कागजात पकड़ के मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी रहम फरमाए, हमारे मुल्क की अवाम पर भी रहम फरमाए, और रिज़्क वाफ़र और हलाल इसी मुल्क से उनको मिल जाए तो कहीं परदेश जाना ना पड़े। आमीन। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि मैं जॉब शुरू करता हूँ, दूसरे तीसरे दिन जॉब हो जाता है, इन्होंने एक तो जॉब की नौयत नहीं बताई कि जॉब कैसी है जो 2 दिन बाद ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर वाकई ये माहिर हैं अपने काम के और फिर भी इनको जवाब हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझें, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है इनका, तो सब्र करें, सब्र करें और सब्र के साथ ही आसानियाँ आएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, कि अल्लाह की तरफ से अगर एक तंगी आती है तो अल्लाह की रहमतें 2-2 बार आती हैं, आसानियाँ डबल होकर आती हैं। तो कुछ वक्त कुछ अरसा मुश्किल में गुजरेगा तो उसके बाद अल्लाह की रहमतें और बरकतें भी आएंगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। हम मिकात पे हाँ जी, मिकात पर जब आपने नियत कर ली उसके बाद आप तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया पढ़ते हुए या तकबीरात पढ़ते रहें, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र में मशगूल हो जाएं क्योंकि अब आपकी इबादत शुरू हो चुकी है जी। तो हरम पहुँचने तक आप ये तलबिया और कलिमात जारी रखें। जब हरम पहुँच जाएंगे तो हरम में जाते ही आपने नफल नहीं पढ़ने हैं, वहाँ पर तहियतुल मस्जिद नहीं है, आपने जाते ही हजरे अस्वद का बोसा लेना है अगर मुमकिन हो आसानी से जी, या हाथ लगा के उसको चूम लें, या अगर ये भी मुमकिन ना हो तो दूर से उसको देकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ शुरू कर देना। ठीक। अब तवाफ के लिए भी हमारे यहाँ किताबें जो बनी, हर चक्कर की अलग-अलग दुआ है, उस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं। ठीक। आप अल्लाह का जिक्र करें, तलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें या दुआएं मांगनी शुरू कर दें। सही। दुआ के आदाब में से शुरू करें, दुरूशी पढ़ें और उसके बाद दुआएं शुरू कर दें। ठीक। तो तवाफ करते हुए, चक्कर लगाते हुए जब आएंगे रुकने जिमानी पर तो उसको भी बिस्मिल्लाह कहकर, अल्लाह अकबर कहकर हाथ लगाना है, सिर्फ छूना है जी। तो आगे हजरे अस्वद तक ये जो रुकन जिमानी और हजर अस्वद तक का ये जो अरसा है इसमें आपकी एक दुआ है सिर्फ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। तो एक दुआ याद करनी है आपने फ़कत और फिर 7 चक्कर इसी तरह पूरे करने हैं। 7 चक्कर पूरे हो जाए तो साहब एक छोटी सी बात यहाँ पे मुझे गुर याद आ गया जी कि अक्सर ऐसा होता था कि तवाफ़ के चक्कर याद नहीं रहते थे, भूल जाते थे। तो वो उसका तरीका जो मैंने निकाला था वो ये था कि मैंने दुआएं तकसीम कर ली थी। यानी मिसाल के तौर पर वालिदैन के लिए एक चक्कर में दुआएं करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करनी है। माशाल्लाह, इसमें तो आप मेरे साथ मुत्तहिद हो गए हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तरीका बहुत अच्छा है। सही। कि सबसे पहले अपने लिए दुआएं करें, वालिदैन के लिए करें, दोस्त अहबाब के लिए करें, बीवी बच्चों के लिए करें, तो हर चक्कर में एक पार्टी के लिए दुआएं करें। ठीक। तो बड़ी आसानी से 7 चक्कर बेहतरीन खूबसूरत तरीके से 7 दुआएं भी हो गई, 7 चक्कर काउंटिंग भी हो गई। अगर उंगलियों पर गिरेगा तो वो धक्का लगता तो उंगली आगे पीछे हो जाती है। वो दाने जो हैं वो भी आगे पीछे हो जाते हैं जी। तो अगर आप इस तरह दुआओं के हिसाब से चक्कर को रख लें तो बहुत शानदार है। 7 चक्कर मुकम्मल करके आपने मुकाम इब्राहिम, वो जो जिस पत्थर के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर बैतुल्लाह को तमीर किया था जी, अगर उसके पीछे जगह मिल जाए नफल पढ़ने की तो 2 नफल पढ़ने हैं, वरना पीछे चले जाएँ बरामदों में, वहाँ आसानी से 2 नफल पढ़ें, दुआएँ करें उधर बैठ कर, फिर वापस आ जाएँ। जमजम पी का बाद, जमजम पीना है जी भर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिकीन जमजम नहीं पीते, तुम जी भर कर पियो, फिर जाकर अगर बैतुल्लाह के दरवाजे के साथ चिमट कर, जिसको मुल्तज़म कहते हैं, उसके साथ चिमट कर दुआएं करने का मुमकिन हो तो वहाँ दुआएं करें, वगरना फिर आप सफ़ा पहाड़ी की तरफ चले जाएँ। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद बैतुल्लाह की तरफ मुँह करेंगे और फिर वहाँ पर एक दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क वलहुल हम्द। ये लंबी दुआ है, एक ही दुआ है जी, ये किताबों में लिखी हुई मौजूद है, आप इसको याद करके जाएंगे। तो ये 3 दफ़ा वहाँ पढ़नी है। सही से हम आगे चलते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं आयशा साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। आप सियालकोट से बात कर रही हैं जी, वेलकम। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सूरतें हैं अगर एक दफ़ा पढ़ी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के, तो अगर 41 दफ़ा पढ़नी है या 7 दफ़ा पढ़नी है या 10 दफ़ा, तो क्या हर दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम साथ पढ़ना पड़ेगा या एक दफ़ा ही काफ़ी है? तादाद पूरी कर लें 40 दफ़ा, या जैसे सूरत फातिहा 7 दफ़ा दाम करना है तो 7 दफ़ा पढ़नी है तो 7 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ेगी साथ, या 41 दफ़ा पढ़नी है तो 40 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी पड़ेगी या एक ही दफ़ा काफ़ी है? ये मैंने पूछा जी। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया है। मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेते हैं जी। मुफ्ती साहब जी हाँ, जब सूरत शुरू करनी है तो बिस्मिल्लाह उसका हिस्सा है, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही उसको पढ़ेंगे, दोबारा जब पढ़ेंगे फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़नी फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। तो जितनी तादाद भी आपने पढ़नी है, 7 दफ़ा है या बास सूरतों को 10 दफ़ा पढ़ने का हुक्म आया है, तो उसको बिस्मिल्लाह से ही शुरू करेंगे। ठीक है, यानी अगर आउज़ुबिल्लाह पहले एक मतलब आउज़ुबिल्लाह तो एक दफ़ा पढ़ लेना काफ़ी है, लेकिन बिस्मिल्लाह रिपीट करते जाएंगे सूरतों के साथ साथ। ठीक है, जब भी सूरत को रिपीट करना है तो बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़नी है। मुफ्ती साहब सही के हवाले से सही के लिए सफ़ा पर गए, दुआ पढ़ी, उसके बाद अपनी दुआएं मांगनी है उधर खड़े होकर, दोबारा फिर वही दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह ये वाली पढ़ी, फिर दुआएँ करनी है, फिर तीसरी बार ये दुआ पढ़ी और फिर अपने लिए दुआएँ करें। उम्रा भाग दौड़ का नाम नहीं है, आप गए हैं इबादत के लिए, आपने रब से कुछ लेने के लिए, बड़े सुकून से वहाँ बैठकर खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके दुआएं करें और उसके बाद फिर सफ़ा से आपने मरवा की तरफ चलना है। रास्ते में जो सब्ज़ लाइटों वाला इलाका आएगा, वहाँ उम्मे हाजर ने दौड़ लगाई थी और हमारे लिए ये सुन्नत है कि वहाँ आपने दौड़ना है, ख़वातीन नहीं दौड़ेंगी, मर्द हज़रात दौड़ेंगे और वो इलाका क्रॉस करने के बाद फिर आगे आस्ता आस्ता चलते जाएँ। तो इस पूरे अरसे में करना क्या है, वही आप दुरूशी पढ़ें, आप तिलावत कर लें, आप दुआएं मांगें, आप तस्बीहात पढ़ें, गप्पे ना हमारे, आप इबादत में हैं तो इबादत करते हुए चलते जाएं। मरवा पर जाकर फिर वही अमल दोहराना है जो सफ़ा पर किया था, 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ये दुआ पढ़नी है और 3 मरतबा दुआएँ करनी हैं अपने लिए और उसके बाद फिर वापस एक चक्कर मुकम्मल हो गया, दूसरा शुरू हो गया, तो आखिरी 7वां चक्कर आपका मरवा पर आकर पूरा होगा। तो ख़वातीन जो हैं वो अपने बालों की लिट से एक पूरे के बराबर अगर काट लें तो उनका उम्रा पूरा हो गया है और मर्द हजरात बाहर निकलें, नाई की दुकान पर जाएं, हज्जाम के पास बाल मुकम्मल साफ़ करवा दें या छोटे करवा लें, तो इस तरह उनका मुकम्मल उम्रा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपने ऐसी तफसील से बयान किया है कि मेरे सामने वो पूरा मंजर आ गया है जो तवाफ़ का और सई का और वो जो सब्ज़ लाइटें हैं वो जो मुनाज़र हैं जहाँ आप गुजरे थे। जी 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 जी, अल्लाह ताला बार बार हाज़िर नसीब फरमाए हमें भी, आपको भी और सारे नाजरीन को। आगे एक सवाल और है, एक शख्स ने सई का 1 चक्कर मुकम्मल कर लिया तो रश की वजह से छत पर चला गया, तो क्या वो पहले चक्कर को शुमार करेगा या सई को फिर शुरू से करेगा? हाँ जी, ये जो चक्कर उसने लगा लिया है जी वो उसका काउंट हो गया है। ठीक, अगर राश की वजह से वो दिल घबराया, अगर राश बड़ा ऊपर चला जाता हो, ऊपर जाकर दूसरा चक्कर हुई उसका शुमार होगा। ठीक है, लेकिन वैसे हमारा ज़ाती तजर्बा जो है वो ये है कि नीचे आसानी है, ऊपर चक्कर इतना बड़ा हो जाता है कि वो भी मुश्किल हो जाता है। ये सही की बात कर रहे हैं वैसे? अच्छा, सही की बात कर रहे हैं। अच्छा, सही में तो फिर ठीक है, सही में तो वो फासला बराबर ही रहता है तो कोई बात नहीं। अगर नीचे नीचे तो राश बेतहाशा होता है फर्स्ट फ्लोर पर, तो दूसरे पर चला जाए, तीसरे पर चला जाए, कोई अर्ज नहीं। 1 चक्कर उसका पूरा हो गया था, दूसरा जहाँ से छोड़ा था वहीं से पूरा करना शुरू। ठीक, वैसे ये सेम चीज़ जो है ये तवाफ के लिए भी है, यानी तवाफ के चक्कर के बाद अगर आप 1 चक्कर लगा के 2 चक्कर लगा के वो समझता कि यहाँ तो अब सांस भी नहीं निकल रहा तो ऊपर चला जाए, ठीक, दूसरे फ्लोर पर चला जाए या छत पर चला जाए, जहाँ भी जाएगा इंशाल्लाह पूरे। वैसे मुझे सब ये भी बताइएगा कि अगर वैसे ही आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए आदमी बैठ गया है, अगर वो थक गया है, जी थक गया है, बैठा है, जमजम पिया है, थोड़ा सांस लेके भी शुरू करेगा तो कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, अजान हो गई है, नमाज खड़ी हो गई, नमाज फटाफट खड़ी हो जाती है जी, तो नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के दोबारा फिर शुरू कर दे, ठीक है, कोई अर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। एक और सवाल लेते हैं। मेरी छोटी बेटी ने मुझे एक बार कहा 2 हफ्तों बाद छुट्टियों में अगर मेरी वालदा सैर पर जाने के लिए राज़ी ना हुई तो आप उन्हें तलाक दे दें। अल्लाह अकबर। मैंने भी मजाक में कह दिया कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, तो इस बारे में क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बेटी है जो माँ का घर उजाड़ने पर तुली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बच्ची तो नहीं लगती मुझे, ये तो बड़ी फ़कीहा खातून लगती है, मजबूर करने के लिए वो एक हरबा इस्तेमाल कर। अल्लाह अकबर। अच्छा, उन्होंने आगे नहीं बताया ना कि फिर वो सैर पर गए थे कि नहीं गए थे। अगर उन्होंने बच्ची के कहने पर कह दिया कि चलो ठीक है जी मैं तलाक दे दूंगा जी, फिर उसके बाद वो सैर पर गए हैं कि नहीं गए ये तो बताया नहीं है, तो सिर्फ इतना ही कहना बच्ची के कहने पर जी, बच्ची को तसल्ली देने के लिए ठीक है, तो ये तो ऐसा फजूल सी बात ही है, बेहुदा बात है, लगव बात है, इसका तो कोई असर नहीं पड़ेगा और ये तलाक भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर खामद कहे कि हाँ अगर ये मेरी बीवी मेरे साथ सैर पर नहीं गई तो मैं इसको तलाक दे दूंगा, और फिर वो सैर पर नहीं गई तो उसने तलाक दी कि नहीं दी? वो अगर तो उसने इरादा ही ज़ाहिर किया था फिर भी तलाक नहीं है कि दे दूंगा। ठीक, अगर उसने कहा कि मेरी तरफ से तलाक है और बीवी सैर पर नहीं गई तो फिर उसको तलाक हो जाएगी जी, लेकिन अगर उसने कहा कि मैं दे दूँगा बेटी को खुश करने के लिए, तो फिर जो ये इरादा ही है या बेटी को बहलाने का एक सबब ही है, ये तलाक नहीं है। लेकिन ऐसी बेहूदगी बच्ची को सुझाई किसने? सही बात है, ये भी एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान है कि इतनी छोटी अगर बच्ची है, जी वाकई बच्ची है, बच्चे की उम्र की है, तो उसको ये नुक्ता किसने समझाया? ये तलाक और निकाह, बल्कि भाई साहब अगर बड़ी है तो और बड़ा सवालिया निशान है कि वो इस तरह की बातें, कमाल हो गई है। तो ये निकाह और तलाक तो हमारे बड़ों बड़ों को समझ नहीं आती, तो छोटी बच्ची कैसे ये बात कर रही है? तो यकीनन ये सोशल मीडिया की तालीम याफ्ता है और उसके दानश्वरों से इल्म हासिल किया हुआ है इसने, कि जो माँ को तलाक दिलवाने बैठी हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। वैसे तलाक के अंदर तो मजाक वगैरह जायज़ नहीं होता ना, अगर मजाक में भी आदमी कह दे तो इस मामले में खासी एहतियात करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर, अहसनल्लाहु अलैकुम। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटे सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।